किन किन के पास में आज अभी ए, जिन जाओ एक्टिवेटेड है उनके लैपटॉप में, ये देखिए ये होती है बैच, ये होता है आप सब लोगों के बाद में जिन जाओ एक्टिवेटेड है क्योंकि आप वो सीखने आए हार्ड वर्कर्स है सारे टीचर्स, और सर बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और प्रॉपर हाइजीनिक सिस्टम से सब टेम्परेचर चेक करके सैनिटाइज करके अंदर छोड़ा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाता है हॉस्टल में भी यहाँ भी, और सर जिस बच्चे को थोड़ा वीक है जो बच्चा सर उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, सबसे बड़ी बात ये सबसे बड़ी सर 12 घंटे यहाँ काम करवाया जाता है और उसके बाद भी होमवर्क 4-5 घंटे का दिया जाता है जो हॉस्टल में जाकर करवाते हैं सर, अक्सर मैक्सिमम बच्चे हमारे हमारे साथ ग्रुप में ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे सोते होंगे सर रात को। अच्छा जी सर। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकॉम आपका चैनल, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में 28 सितंबर का बैच और मेरे साथ में हमारी एसर टेलीकॉम की टीम फिरोज सर और दुर्गे सर, फिरोज सर हाई कर दीजिए जरा और दुर्गे सर, और ये 28 सितंबर की बैच और ये है कोरोना का दूसरा बैच, यहाँ है मेरे साथ कुछ स्टूडेंट जो कि आप देख रहे होंगे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हमने की हुई है। आप ये बताइए जब से आप पहले दिन से आए हैं आपको यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से, हाथ ऊपर करके बताइएगा ऊपर प्रॉपर तरीके से, आप लोग को हॉस्टल हो या आपके इंस्टीट्यूट हो क्लीनिंग आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पूरे 2 टाइम पे यहाँ पे सैनिटाइज होता है हमारा इंस्टीट्यूट, क्या आपको यहाँ पर कभी भी ऐसा लगा कि अनहाइजेनिक में आपको बिठाया गया है क्या, कभी ऐसा फील होता है क्या? चलिए ठीक है, ये तो हो गई एक बात, क्योंकि बात बिल्कुल शुरू में हमें करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 जैसे ही चल रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ये हो रहा है 5 दिन में, हालांकि कोई आउटपुट नहीं बनता है फिर भी क्योंकि हम हमेशा 5 दिन का एक आउटपुट बनाते हैं, पहले दिन का आउटपुट कभी नहीं बनाते, 5 दिन में आप बताइए कौन कौन बच्चे ने पहले बताइए किस किस को आईसी रिवॉल्व करते नहीं आता था यहाँ पर, किस किस को आईसी रिबॉल करते जो यहाँ पर आया था जब यहाँ जो पहले दिन आए थे किस किस को रिबॉलिंग नहीं आती थी, हाथ खड़े करके बताइए यहाँ पर। तो देखिए इनमें से इन लोगों को रिबॉलिंग नहीं आती थी, अब हाथ नीचे कर दीजिए। अब बताइए आप अगर सीपीयू दे या पावर आईसी दे या यूएमसी दे कौन कौन रिबॉल कर सकता है यहाँ पर, कौन रिबॉल कर सकते हैं, आप सब रिबॉल कर सकते हैं, आपने यहाँ एक बार रिबॉलिंग की है कि 2 बार या 3 बार कितनी बार रिबॉलिंग की, मतलब डेली रिबॉलिंग की आपने, ठीक है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं बहुत से लोग बोलते हैं कि ये डेड मोबाइल में पढ़ाते हैं, आप बताइए आपने लाइव मोबाइल में कितनी बार सीपीयू निकाल कर उसको वापस चालू किया डिस्प्ले के साथ यहाँ पर, सो किसने 10-10 बार किया है, एक बार ये देखिए आपने 10 बार किया है, करे हुए आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। आप कहाँ से? सतना। आप ये बताइए क्या ये फेक वीडियो बन रहा है क्या? नहीं सर। ये इतने सारे बच्चे फेक तो हो नहीं सकते, नहीं सब अलग अलग जगह से, आप सतना से हैं, जैन के से या कहीं ना कहीं, आप बताइए आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। आपका नाम ही भूपेंद्र है? अच्छा 2 भूपेंद्र हमारे पास, वेरी गुड। भूपेंद्र तुम कहां से हो? गोरखपुर। आपने आपके यूपी? सो यूपी आपने भी 10 बार किया हुआ है यहाँ पर, ये फेक तो नहीं बना रहे आपस में, आप लोग भाई तो नहीं है आपस में? चले ठीक है। भूपेंद्र आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर उसके अलावा क्या क्या सीखा, कॉम्पोनेंट आपको आते हैं यहाँ पर, कॉम्पोनेंट अगर आपसे पूछूंगा तो कुछ बता देंगे? चलिए ठीक है आपके लिए पूछूंगा। तो यहाँ पर 10 बार लाइव सीपीयू आपने किया हुआ है, आपने ये समझे 5 दिन में कितने घंटे पढ़ाते हैं यहाँ पर, आप सवेरे कितने बजे आते हैं यहाँ पर? 8 बजे आते हैं आप। हम आपको रजिस्टर इस वीडियो में एक आपको शो करेंगे जिसमें आपको कुछ हम ब्लर करके इनके नंबर रजिस्टर दिखाएंगे कि जब ये आते हैं, आप जब भी सुबह आते हैं तो अपने टेम्परेचर नोट करते हैं ना, तो उससे जाने का टाइम पे भी टेम्परेचर नोट करते हैं, तो वो आपको दिखाया जाएगा। सो यहाँ पर आपको पढ़ाया गया है शुरू से, स्कीमेटिक लेवल सिखाया जा रहा है कि नहीं सिखाया जा रहा है? स्कीमेटिक लेवल डीपली लेवल पे बिल्कुल आईसी लेवल पे पैड लेवल पे सिखाया कि नहीं सिखाया? आईसीयू की जानकारी हो या फिर कॉम्पोनेंट की जानकारी हो, ये 5 दिन में देने की कोशिश की है कि नहीं की है? क्या ये वाकई में 5 दिन का कोर्स है? ये तो 40 दिन का कोर्स है, तो आपको यहाँ पर तो आगे ब्लैक पेस्टेड आईसी उतारनी है। कौन कौन उतारेगा ब्लैक पेस्टेड आईसी? हाथ उतार, आप सब उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? बिल्कुल उतार के जाएंगे और पूरा यहाँ पर ईएमसी का काम सीख के जाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा आउटपुट की, और उससे पहले बात करते हैं, बताइए फिरोज सर के बारे में, क्या फिरोज सर ने कैसा पढ़ाया आप लोगों को बताइए? बहुत अच्छा पढ़ाया। कौन एक बार कुछ कहना चाहेगा फिरोज सर के लिए? बताइए बताइए। जो समझ में नहीं आता है बार बार सर यही बोलते हैं कि 1 दिन 10 बार पूछो, पूछने में कोई बुराई नहीं, आप सीखने के लिए आए हो, सीख के ही जाओगे और सीख के ही छोड़ेंगे आपको, इसके पहले नहीं छोड़ेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, एक बार फिरोज सर के लिए ताली बजा दीजिए। फिरोज सर बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बार के बैच के लिए? सर अच्छे से सारे स्टूडेंट पूरे हार्ड वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल टाइम पे आते हैं यहाँ पर। हाँ सर बिल्कुल टाइम पे आते हैं, टाइम मेंटेन कर रहे हैं और जो उनको बोला जा रहा है प्रॉपरली उसी सेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किन किन के पास में आज अभी जिन जाओ एक्टिवेटेड है उनके लैपटॉप में, ये देखिए ये होती है बैच,
ये होता है आप सब लोगों के बाद में जिन जाओ एक्टिवेटेड है क्योंकि आप वो सीखने आए यहाँ पर, आप स्कीमेटिक सिर्फ देखने नहीं आए, आप खुद करने आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे रिव्यू इस तरह से लेंगे, सिर्फ रिव्यू ये नहीं लेंगे कि क्या सीखा, पूछते हैं क्योंकि हम यहाँ इंडिया में सिर्फ यहाँ नहीं है कि आपने कहाँ से आए क्या है, हम पूछेंगे आपसे। ये बताइए कि कंपोनेंट में रजिस्टर कितने प्रकार के? छह प्रकार के बताइए। भूपेंद्र आप ही से शुरू करता हूँ। नॉर्मल रजिस्टर और ड्यूअल रजिस्टर, या उसको हम पैकेज रजिस्टर भी बोल सकते हैं, जो आते हैं क्या मोबाइल फोन में? नहीं आते। और फ्यूज रजिस्टर, हाँ, और कोड रजिस्टर, हाँ, थर्मिस्टर, हाँ, और बीडीआर। बीडीआर तो कोई सा भी रजिस्टर आपको देंगे, चेक कर पाएंगे। शुरू में बहुत दिक्कत हो रहेगी ना दो दिन में, तो क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट के लिए कि शुरू में जिनको कंफ्यूजन होता है उनको क्या रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए क्योंकि एक दिन में तो कोई भी सीख नहीं सकता, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आप बताइए थर्मिस्टर कितने प्रकार के? सर थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, PTC एंड NTC। हमारे फोन में कौन सा लगा होता है? नेगेटिव थर्मिस्टर, कोएफिशिएंट, वेरी गुड। अब चाहिए बताइए कि थर्मिस्टर बेसिकली कैसे पता चलेगा एक थर्मिस्टर और बीडीआर में अंतर? सर थर्मिस्टर बीडीआर का अंतर है, जो थर्मिस्टर के साथ एक कैपेसिटर भी रह सकता और उसको HVR काफी भी हाई वोल्टेज का रहता, उसको चेक करने का तरीका मल्टीमीटर को 200K में रख के। नहीं आप चेकिंग मत बताओ, तो आपको चेक करना तो आएगा ना। सर अगर थर्मिस्टर की बात करें, रजिस्टर की बात करें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ पे थर्मिस्टर की बात करें, रजिस्टर की बात करें, या सर्किट ट्रेसिंग की बात करें, ट्रेसिंग करना, अच्छा आपको यहाँ पे टेक्निक भी तो दी गई थी ना यहाँ पर, जिसको है ना, तो वो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी यहाँ पर? तो उसके साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और ये सिर्फ टेक्निक का गेम नहीं है दोस्तों, ये है यहाँ पर बेसिकली आपने डीपली नॉलेज लेना है, स्कीमेटिक का नॉलेज लेना है, सिर्फ हैंड स्किल लेके नहीं जानी है यहाँ पर, आपने वो लेना है जो आप इंडिया में जो सोच के आए थे। तो ये बताइए यहाँ पर एक रिव्यू लेना चाहूंगा, क्या सोच के आए थे यहाँ पर कि ऐसे टेलीकॉम में क्या मिलेगा? आपके दिमाग में इतने इंस्टीट्यूट चल रहे थे, क्यों ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया? सर ऑलरेडी मैंने 3 इंस्टीट्यूट पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा चुका था सर, लेकिन जब मैंने एशिया टेलीकॉम के कुछ वीडियोस देखे तो सर मैं बहुत मुतासर हुआ और मुझे लगा कि मुझे एशिया टेलीकॉम ही जाना चाहिए सर। अच्छा, क्योंकि हकीकत में सर फिर मैंने बहुत छानबीन करके सर मैं यहाँ आया और जो जितना मैंने सोचा था उससे 1000 गुना ज्यादा पाया सर। 1000 गुना पाया। यहाँ पे टीचरों का कोऑपरेशन है कि नहीं आप लोगों से? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। सबसे अच्छी बात क्या लगी जो यहाँ पर? हार्ड वर्कर से सारे टीचर्स, और सर बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और प्रॉपर हाइजीनिक सिस्टम से सब टेम्परेचर चेक करके सैनिटाइज करके अंदर छोड़ा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाता है हॉस्टल में भी यहाँ भी, और सर जिस बच्चे को थोड़ा वीक है जो बच्चा सर उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी सर 12 घंटे यहाँ काम करवाया जाता है और उसके बाद भी होमवर्क 4 से 5 घंटे का दिया जाता है जो हॉस्टल में जाकर करवाते हैं। सर अक्सर मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ ग्रुप में ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे सोते होंगे सर रात को। अच्छा जी सर, क्या बात है, बस जोरदार ताली बजाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो तो ऐसे बहुत कुछ पूछूंगा, कैपेसिटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। डायोड कितने प्रकार के? आपने यहाँ पर अगर कंपोनेंट की बात करूंगा तो दोस्तों मैं ऐसे एक एक करके कुछ भी कब से कितना भी पूछ सकता हूँ। आप जाइए वीडियो लिस्ट में और देखिएगा, हर बैच हर महीने का एक बैच का हमारे वीडियो डले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच ये बैच के लिए, और एक बार फिरोज सर और दुर्गेश सर के लिए ताली बजा दीजिए। और जाते जाते बस यही कहेंगे कि क्या बोलते हैं, COVID-19 में जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलिए, मास्क पहनिए, आप कहीं भी इंडिया घूमे या कहीं भी आप वर्ल्ड में जाएं, आप हमेशा अपने आप को सेफ रखिए, सैनिटाइज कीजिए, और जितना आप अगर दूर रख सकते हैं मतलब दिन में 2 बार कम से कम 3 बार हाथ धोइए, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। उसके साथ हार्ड वर्किंग कीजिए जितना कर सकते हैं, और एक बार आप अपने लिए कि आप लोग 4 घंटे नहीं सोते, बताइए 4 घंटे। और जाते जाते बस एक बार ये कहना चाहेंगे कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1।